दोस्तों बिग बॉस का सीजन 13 जिस गति से आगे बढ़ रहा है, इस हफ्ते काफी सारे मेंबर्स अब घर से एलिमिनेट होने वाले हैं। जैसा कि बीते एपिसोड में हमने देखा कि घर वालों को चौंकाते हुए बिग बॉस ने मिडनाइट एविक्शन किया, जिसमें सिद्धार्थ डे को घर से बाहर निकलना पड़ा। अब ऐसे में घर के अंदर अब सभी सदस्यों पर संकट फिर से मंडरा रहा है। हालांकि इसी बीच घर वालों को एक गलतफहमी भी हुई। ये गलतफहमी थी कि बिग बॉस ने जिस क्रम में नाम लिया तो घर वालों ने सोचा कि सबसे ज्यादा वोट उसी क्रम में मिले हैं। इस क्रम में उन्होंने सबसे पहले रश्मि, पारस, सिद्धार्थ शुक्ला ऐसे नाम लिए, जबकि शेफाली को भी उन्होंने ऊपर रखा। तो यहाँ पर देवोलीना और शहनाज को लगा कि बिग बॉस ने उसी क्रम में नाम लिए हैं जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। लेकिन सच्चाई दोस्तों ये थी कि नंबर वन वोटिंग में रहे थे सिद्धार्थ शुक्ला, नंबर टू पे थी शहनाज गिल, नंबर थ्री पे रश्मि, नंबर फोर पे थे आसिम रियाज, जबकि पारस को बहुत ही कम वोट मिले थे और वो बिलो एवरेज थे। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें, इस बार एविक्शन की कड़ी में यहाँ पर खतरे की घंटी पारस के गले में जमकर मंडरा रही है। वोटिंग ट्रेंड की माने तो माहिरा, शेफाली और पारस अब सबसे ज्यादा बॉटम एंड पर होने वाले हैं। इन तीनों में से कोई एक घर से बाहर जरूर निकलेगा या इनमें से दो निकलेंगे। मेकर्स की माने तो सलमान खान से पंगा लेने के बाद पारस ने सबसे बड़ी गलती कर दी है। अब फैंस उन्हें घर के अंदर बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं। घर में वो जिस प्रकार का गेम प्ले कर रहे हैं वो दर्शकों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। हालांकि बिग बॉस की टीम का मानना है कि पारस घर के अंदर बहुत ही ज्यादा कॉन्टेंट दे रहे हैं, क्योंकि उनके होने से लड़ाइयां भी हो रही है। ऐसे में पारस को एक तरफ सेफ साइड मिल सकती है ताकि वो घर के नंबर वन वैम्प बन जाए। हालांकि फैंस बिल्कुल नहीं चाहते कि पारस अब घर के अंदर टिके। पारस का चेहरा जिस प्रकार से सामने आया है, सलमान खान से जिस प्रकार से उन्होंने बात की है, फैंस को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस हफ्ते पारस छाबरा घर से बाहर होने के लिए काफी ज्यादा आगे खड़े हैं और वो घर से बाहर हो सकते हैं। अगर पारस बाहर नहीं होते हैं तो ये साफ है कि उनकी फ्रेंड माहिरा अब घर से बेघर होगी और उन्हें कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों आप घर के अंदर किसे देखना चाहते हैं, पारस को या माहिरा को, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें खेलो खेलो ताकि और भी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।